दोस्तों आप सभी तो जानते हैं टीना दत्ता एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन दोस्तों ये एलिमिनेशन किस लिए हुआ? दोस्तों ये एलिमिनेशन इसलिए हुआ कि फराह खान चाहते थे या फिर वोटिंग से हुआ, बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो में देखा गया था कि फराह खान टीना दत्ता को बुरी तरह बैश करते हैं और शो छोड़ के चले जा रहे हैं, और उसी के बाद टीना दत्ता को एविक किया जाता है। हालांकि वो प्रोमो में नहीं आया, लेकिन टीना दत्ता को एविक किया गया है। तो दोस्तों अभी सोशल मीडिया या फिर सभी जगह पर आप देख पाएंगे कि टीना दत्ता को वोट आउट नहीं, टीना दत्ता को फराह खान ने उनके बदतमीजी के लिए निकाल दिया, क्योंकि फराह खान का कहना था कि मेरे साथ टीना बहुत खराब बर्ताव किया है, तो मैं ये शो छोड़ूंगी या फिर टीना को शो छोड़ना होगा। तो इसके बाद ही टीना को एलिमिनेट किया गया है। लेकिन दोस्तों ये बात में कितनी तक सच्चाई है? दोस्तों इस बात में सच्चाई उतना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वोटिंग भी हुआ है, वोटिंग ट्रेंड्स में भी देखा गया है कि टीना दत्ता बहुत ही कम वोट में जा रही थी, और सोशल मीडिया में जो चल रहा है ये वोट ये चक्कर का बात नहीं है, वहाँ पर बात है फैंस की। टीना के फैंस जो है वो ये मान नहीं पा रहे हैं कि टीना दत्ता एविक हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जो ओरिजिनल है वोटिंग से ही ये हुआ है, वोटिंग से ही टीना दत्ता आउट हुए है, क्योंकि इस पड़ाव में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहता है। तो दोस्तों आप वोटिंग हो या फिर फराह खान के लिए हो, जैसे भी हो, उन्हें एविक्ट किया गया है, इससे आप खुश हो या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके तीखे मीठे कॉमेंट का।